हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी जैसा कि आप देख सकते हो आई आई की मैंने वेबसाइट खोल रखी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिस् एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी आई है सत्रह तारीख से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था छः तारीख लास्ट डेट है इंग्लिश में हम यहाँ पर एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं क्या एडवर्टीजमेंट बोल रहा है यहाँ पर कि एडमिनिस्ट्रेटिव uh, असिस्टेंट uh, की वैकेंसी है टोटल आप देख सकते हैं सेवेंटी वैकेंसीज हैं जिसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स मांग रहे एज लिमिट है, है छः uh, छब्बीस और ग्रुप है सी अगर हम यहाँ पर लेवल देख लें तो आपका लेवल थ्री पेमेंट होने वाला है यहाँ पर कुछ यहाँ पे बता रखी है कि क्या क्या यहाँ पे रिजर्वड है अगर हम देखें कैंडिडेट शुड रीड केयरफुली आप रीड कर लेना और अच्छे से आप अप्लाई कर देना से सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट विल बी सोलली बेस्ड ऑन द जॉब ओरियंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट हंड्रेड परसेंट वेटेज इन केस इफ एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन द स्कोर ऑप्टेन बाई ईच ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट सेक्शन विल बी नॉर्मलाइज तो यहाँ पर ये जो है जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होने वाला है एप्प्केंट शुड टेक ड्यू केयर वाइल फिलिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन वन सबमिटेड ऑनलाइन कैन नॉट बी अल्टर्ड तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सबमिट करना इन एडिशन टू द पे इन द पे मेट्रिक्स एज पर दैवेंथ सी पी सी एज मैंशन पोस्ट कैरी द यूजल अलाउंस एज पर विद द यहाँ पर आपको जो अलाउंस वगैरह है वो सब भी मिलेंगे यहां पर आपको बोला है द पर्सन विद पी डब्ल्यू डी शेल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट इन द परफॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी एज पर द स्टैंडर्ड फिक्सड बाय द इंस्टीट्यूट जो स्टैंडर्ड वो फिक्स करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे होगा कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है मार्क्स के लिए अगर हम देखें फुलफिलमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इज एन द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर अ जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट एज स्टेटेड अबव प्रोसेसिंग प्रोग्रेसिंग अहेड इन द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स इन जनरल एज स्टेटेड द इंस्टीट्यूट इज फ्री टू सेट बेंच और ये सब इन्होंने बता रखा है कि आपको कॉल किया जाएगा फॉर द जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अगर हम यहाँ पे देखें वंस अ कैंडिडेट हाईसूज रिजर्व कैटेगरी रिक्वेस्ट बी एंटरटेन टू टू चेंज फॉर अनदर कैटेगरी तो अच्छे से भरी है बारे में बता रखा है एज शुड नॉट एक्सीड यह सब इन्होंने चीजें बता रखी है एज रिलेक्सेशन जो भी है वो बता रखा है मतलब आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो फर्स्ट अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे फर्स्ट 4 2022 के बाद का ही यहाँ पर होना चाहिए शेल ओनली भी कंसीडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने बाकी सारी कुछ चीजें अगर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 17 तारीख से शुरू हो गया था 6 तारीख तक है यहाँ पे द सबमिशन एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड प्लीज़ विजिट आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड ही होगा नो हार्ड कॉपी सबमिशन ऑफ दी ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड फॉर द नॉन टीचिंग पोजिशन कैंडिडेट्स वर्किंग इन ये सब इन्होंने बता रखा है कि अगर आप गवर्नमेंट में पहले से वर्क कर रहे हो तो क्या है इनकम्प्लीट फिल्म करना अच्छे से फिल करना अपलोडिंग और सबमिशन अच्छे से करना आपके जो भी है यहाँ पर इन सब चीज़ों से जनरल इंस्ट्रक्शन है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं आपको यहाँ पर रुपीज़ फिफ्टी पे, पे करनी पड़ेगी अगर आप ट्रांसजेंडर है एस सी एस टी वुमेन है और फोर फिफ्टी आपको पे करनी पड़ेंगी अगर आप अदर अदर कै, कैंडिडेट है तो अगर हम यहां पे देखें कैंडिडेट्स वन अपलाइड शेल विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड पोर्टल रेगुलरली टू चेक द स्टेटस ये सब इन्होंने बता रखा है यहां पर इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दा इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर आप चले जाइए नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए ये सब चीज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा तो यहाँ पर ये जो है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ पाएँ अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है कैसे आपको अप्लाई करना है पार्ट ए है पार्ट बी है पार्ट ए में कैसे अप्लाई करना है पार्ट बी में कैसे अप्लाई करना है तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर अच्छे से मैंशन कर रखी है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा कि देखिए आपको लॉग इन करना है उसके बाद किस तरीके से आपको अप्लाई करना है तो रजिस्टर फॉर्म फॉर आई एस सी बेंगलोर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए तो आप अच्छे से पढ़िए कि किस तरीके से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है और उसी के बाद ही जाइए जैसे कि पार्ट ए में पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा कैंडिडेट्स हैज़ टू फिल रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म

वो पोस्ट एंड फिल द एप्लीकेशन अपलोड करिए और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा और फिर लॉग इन करने के बाद आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप फिल कर सकेंगे तो यहाँ पे फिर बाद में आपको लॉग इन करना होगा पहले आपको रजिस्टर करना होगा इसके बाद अगर हम यहाँ पर सिलेबस की बात कर लें कि सिलेबस क्या कैसे रहने वाला है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी वर्बल एबिलिटी लॉग लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सब के यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स पर आइटम यहाँ पे कितने और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं और ये पूरा सिलेबस है तो अगर आप यहाँ पर इन सब सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज है आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप यहाँ पर एक जॉब देख रहे हैं तो इस लिंक का मैं इस इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसमें आप जाके अच्छे से सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं विश यू ऑल द वेरी वे 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 बेस्ट गाइज टेक केयर बाय